अल नूर आइलैंड है ये, इसका एंट्री। ब्रदर हाउ मच इज द टिकट फॉर दिस? 35। एग्जैक्टली मस्जिद के सामने एक बनी हुई है कैथली, ये लोग बेचते हैं। वाटर फाउंटेन है इधर, देखें। रात के हो रहे हैं जी 12, फिर भी देखें पीछे अलबेक में कितनी लंबी लाइन है। बच्चे मजे कर रहे हैं, रात के 12:30 हो गए। फिर मार्केट बनी हुई है इधर लगून गार्डन के नाम से। ब्यूटीफुल मॉस्क इन शारजा और तीसरी मस्जिद वन कड़क टी प्लेस। ट्रेडिशनल स्टाइल से एंट्रेंस बनी हुई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जी तौफीक रजा शारजा से और वेलकम बैक हो गया जी आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं हूँ जी ठीक ज़बरदस्त मज़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी सब दुआएं कबूल मंजूर अता फरमाए। तो मैं हूँ इस वक्त शारजा कॉर्निश। खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, एक कॉर्निश एरिया शारजा, हार्ट ऑफ शारजा के बिल्कुल पास, उसके एग्जैक्टली सामने आपको मिलता है जो ही हम कॉर्निश पे इंटर होते हैं एक डेट्स का गार्डन। ये बना हुआ है गार्डन जो खजूर लगी हुई है पूरी और लोग इधर मज़े करते हैं, बैठते हैं। अभी तो मौसम अच्छा है, गर्मियों में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। और वो जो सामने आपको दिख रही है मस्जिद, हम लोग उधर भी विज़िट करेंगे, आपको उधर भी दिखाऊंगा। और इस जगह मज़े की बात यह है कि ये जो सराउंडिंग एरिया है पूरा, आपको फूड की इंटरनेशनल चेन्स यहाँ पर मिलती हैं। हर तरह का फूड, इंडियन, पाकिस्तानी, अरबिक और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा हट, KFC, जो भी आपको चाहिए वो इस जगह से आपको मिलेगा। और काफ़ी रश होता है यहाँ पे, और अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट रात के 11, फिर भी देखें लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज है जी ईद का तीसरा दिन इधर। तो यहाँ पे खूबसूरत मंजर है, देखें लोग के जो अपना बच्चे लोग हैं ये बैठे हुए हैं ये इधर गार्डन के अंदर, कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं अभी मस्जिद की तरफ, वो जो सामने मस्जिद है उसके साथ में कॉर्निश, पहले चलेंगे कॉर्निश पे। और ये देखें सामने एग्जैक्टली ये जो बिल्डिंग्स हैं ये कॉर्निश के बिल्कुल पास हैं, और इनके नीचे आपको मिलता है हर किस्म का खाना जो अपने फूड चेन्स हैं, स्पेशली फास्ट फूड, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी इधर से आपको मिल सकता है। तो बच्चों के खेलने की अच्छी जगह है ये, स्पेशली दिन को शाम को इधर काफ़ी रश होता है, लेकिन आज इतना नहीं है क्योंकि कल वर्किंग डे है। तो कल वर्किंग डे है इसकी वजह से इतना रश नहीं है। तो होटल्स हैं इधर सामने, और देखें दूर से वो मस्जिद, क्या खूबसूरत मस्जिद है उधर, इसका नाम है जी मस्जिद नूर। एग्जैक्टली मस्जिद के सामने एक बनी हुई है कैथली, ये लोग बेचते हैं अपना कैफेटेरिया टाइप, टी वगैरह, जूस और कुछ चीज़ें, खाने पीने की इधर से कुछ चीज़ें मिलती हैं। देखिए हर जगह पे लोग बैठे हुए, इवन 11 हो गए, इवन दो कल वर्किंग डे है UAE में, कल ऑफिस ओपन होंगे, लोग जाएंगे अपने अपने कामों पे, फिर भी लोग बैठे हुए हैं इवन 11 बजे। तो ये जो आप पीछे एरिया देख रहे हैं, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन जो होती हैं, नुमाइशें होती हैं शारजा की, अगर कुछ फेस्टिवल हो, फेस्टिवल इवेंट्स वगैरह, वो इधर ही होते हैं, ये पीछे इस तरफ ये डेट्स गार्डन के साथ काफ़ी जगह है उधर, तो उधर इवेंट्स होते हैं। और इधर साथ ही मस्जिद के साथ ही आगे मिलता है आइलैंड, वो सामने आइलैंड है, इसका कुछ एंट्री फी है, तो इसका नाम है जी अलनूर आइलैंड। अलनूर आइलैंड है ये, इसका एंट्रेंस इधर है ये सामने। हेलो ब्रदर हाउ आर यू? गुड ब्रदर, हाउ मच इज द टिकट फॉर दिस? 35। व्हाट इज द टाइमिंग? There is timing every day morning 9 a.m. to 6 p.m. butterfly house. Okay. But island morning 9 to until 11 p.m. Okay. 11. So it's closed now almost. Thank you dear. Thank you. So guys, island जैसे कि close हो चुके हैं अभी, इसका entry fee है 35 dirham। और देखिए island के पीछे खूबसूरत buildings हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी दूर, ये पानी है इधर,
ये कॉर्निश इसे बोलते हैं, ये क्रॉस करके उस तरफ बिल्डिंग्स हैं और इस तरफ भी बिल्डिंग्स हैं, और मॉस्क एग्जैक्टली अलनूर आइलैंड के पास है। मॉस्क मस्जिद में आएंगे जी बाद में, पहले जाएंगे हम लोग वाटर फ्रंट साइड, क्योंकि मस्जिद वापसी पे मेरे एरिया के पास ही है, तो वापसी पे इसे आपको दिखाऊंगा। जूं जूं आप मस्जिद की तरफ से जाते हैं वाटर फ्रंट की तरफ, आपको कॉर्निश के उस तरफ मिलेंगी खूबसूरत बिल्डिंग और उनकी रोशनी लाइट जो है बहुत ही प्यारा एक मंजर पेश करती है। और हमने जाना है एग्जैक्टली वो मस्जिद नज़र आ रही है उसके पास, शारजा अल मजाज वाटर फ्रंट। और ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है बड़ी वाली, ये है जी डबल ट्री बाय हिल्टन होटल। और इस तरफ आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट्स, पिज़्ज़ा हट, KFC और तरह तरह के आप खाने, जो लोग खाने के पसंदीदा हैं, जो लोग खाने को पसंद करते हैं, इधर आपको हर तरह का खाना मिलेगा कॉर्निश एरिया में। और रास्ते पे लगे हुए जगह जगह पे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, ये देखें स्टॉल्स लगे हुए इधर, यहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर आपको कुछ खाने है का है। खूबसूरत कश्ती है, पता नहीं इसके चार्जेस क्या हैं। ये देखें, अच्छी बात यह है कि आपको जगह जगह थोड़े थोड़े वक्फे में मस्जिदें दिखेंगी माशाल्लाह। ये देखें एक मस्जिद इधर है, एक वो जो नूर मस्जिद है, ब्यूटीफुल मॉस्क इन शारजा, और तीसरी मस्जिद वो सामने आपको मीनार नज़र आ रहे होंगे, ये देखें मीनार, तीसरी मस्जिद उधर है। इधर अच्छी बात ये है कि हर जगह थोड़े से वक्फे में आपको मस्जिदें दिखती हैं। ये देखें खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है इधर, और ये डिफरेंट काइंड्स की राइड्स हैं, आप लोग राइड कर सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू के साथ कॉर्निश में। ये देखें फन वर्ल्ड बोट राइडिंग, तो जो है जी फन बोट, ये देखो सोफा बोट के चार्जेस हैं 50 दिरहम, 15 मिनट राइड करेगी। फैमिली बोट जो है वो 75 दिरहम, 15 मिनट राइड करेगी, और VIP बोट 30 मिनट राइड करेगी और 100 दिरहम। और जूं ही आप आएंगे शारजा अल मजाज वाटर फ्रंट, तो ये देखें आपको मिलेगा अल बेक, एक ब्रांड है जो बहुत ही लोग पसंद करते हैं। ऊपर उनके बैठने की जगह है और नीचे भी बैठने की जगह है, और बाहर एक खूबसूरत वाटर फाउंटेन है इधर, देखें माशाल्लाह वाटर फाउंटेन, अलबेक, और बहुत सारे जो बंदे फूडीज हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, बहुत ब्रांड्स के रेस्टोरेंट्स, अलबेक, और एक खूबसूरत मंजर है यहाँ पे। अलबेक पे आप छत पे बैठ के खाएं और आपको मिलेगा ये मंजर खूबसूरत। और जो वाटर फाउंटेन की जो आवाज़ आ रही है वो ज़बरदस्त किस्म की है। रात के हो रहे हैं जी 12, फिर भी देखें पीछे अलबेक में कितनी लंबी लाइन है, कितना इधर लोग पसंद करते हैं अलबेक को। ये देखें एक लंबी लाइन है, अगर आपने खाना है तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा, और बैठने की जगह भी नहीं है अंदर, लोग इधर बाहर बैठ के खा रहे हैं। देखें 12 बजे, और कल वर्किंग डे है, ईद पे बहुत रश था, ईद पे मैं नहीं आया, और आज भी बहुत रश है, इवन रात के 11 हो चुके हैं। और ये देखें फाउंटेन का खूबसूरत व्यू, तो आप वो सामने नज़ारा कर सकते हैं, अलबेक खाएं और नज़ारा करें और मज़े करें। तो आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, इधर हवा चल रही है, नॉर्मली इस टाइम गर्मी होती है एक, लेकिन ये भी खुदा की कुदरत है कि ईद पे मौसम अच्छा रहा यहाँ पे। और भी बहुत रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको इस एरिया में, ये देखें, और किड्स प्ले जोन एरिया यहाँ पे, ये देखें बच्चे खेल रहे हैं इधर, डिफरेंट किस्म की राइड्स हैं यहाँ पे भी, और बच्चे खेल रहे हैं। देखें एक खूबसूरत व्यू है, बच्चों का प्ले जोन का एरिया है, ये देखें वाटर फाउंटेन,
अलमजाज वाटर फ्रंट के साथ, और उसके पीछे एग्जैक्टली मिलती हैं आपको राइड्स डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। आपको नज़र आ रहा होगा बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। उधर चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको उधर से। और ये हैं वो राइड्स, देखें इधर खूबसूरत, बच्चे मज़े कर रहे हैं। रात के 12:30 हो गए, फिर भी डिफरेंट राइड्स हैं यहाँ पे। अलमजाज वाटर फ्रंट पार्क के पास, ये देखें माशाल्लाह। यूएई में किड्स प्ले जोन एरिया बहुत जगहों पे होता है, ये देखें। ये रही जी फिली टी, ये भी एक यूएई का ब्रांड है चाय का, जबरदस्त चाय है इनकी। ये देखें जी एक ये भी राइड है जबरदस्त, और उधर भी खूबसूरत एंट्रेंस बनी हुई है अलमजाज वाटर फ्रंट पार्क की, और जगह जगह पे बैठने की जगह बनी हुई है। फूल देखें इधर खूबसूरत माशाल्लाह, ये देखें फूल। और ये रही वो तीसरी मस्जिद जो मैंने आपको शो करवाई थी, और एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है इधर, ये देखें ट्रैक है बहुत ही नरम, जैसे ज़मीन के नीचे फोम है, फोम लगाई हुई है इन्होंने, बहुत नरम है, इधर चलने का भी मज़ा आता है। मार्केट बनी हुई है इधर लगून गार्डन के नाम से, वहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देखें परफ्यूम्स हैं, कपड़े हैं, और बहुत सारी आइटम्स। रात के 1 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी इधर इवनिंग है, शाम है। और जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने की जगह बनी हुई है, ये देखें। और मार्केट, और ये देखें ऑलमोस्ट लोग जा रहे हैं अभी घरों में, क्योंकि रात के हो गए हैं 1। और ये लगून गार्डन मार्केट जो है, वहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और देखें खूबसूरत स्ट्रीट नुमा बाज़ार बना हुआ है, और खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और स्पेशली मज़े की बात कि एक खूबसूरत मंजर एक व्यू के सामने ये मार्केट है, एग्जैक्टली देखें आप। और ये रही जी शारजा की जो सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था, उसका एंट्रेंस ये देखें, एक खूबसूरत एंट्रेंस है। और क्या नक्शा बना हुआ है इसका, जो मैप है इस्लामिक ट्रेडिशनल स्टाइल से एंट्रेंस बनी हुई है, और इसका जो डिज़ाइन है स्पेशली। और लाइट्स देखें इधर स्पेशली, आपको दिखाते हैं लाइट्स कैसे फोकस की गई हैं, जो सीधा फोकस हो रही है ऊपर, ये जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है लाइट इधर से जा रही है, नीचे से इधर से लाइट सीधी जा रही है, सीधा ऊपर पड़ रही है, इसलिए थोड़ी शाइनिंग आ रही है। और एक खूबसूरत एंट्रेंस है, और इस मस्जिद में ऑलमोस्ट 3,000 से ऊपर लोग नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं एक टाइम। इसका हॉल जो है काफ़ी कुशादा है, बड़ा है। तो बेसिकली इसकी हैं जी दो एंट्रेंस, एक रोड वाली साइड पे ये जिधर अभी मैंने आपको दिखाया है, और दूसरी एंट्रेंस है कॉर्निश वाली साइड पे, जो अपना पानी है समुंदर उस वाली साइड पे। और ये जो कॉर्निश है ये आर्टिफिशियल बना हुआ है, नेचुरल नहीं है। और ये वॉकिंग ट्रैक जितना भी है आर्टिफिशियल बाद में बनाया गया है खूबसूरती के लिए, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है कॉर्निश का। और मॉस्क का इस तरफ देखें जो एंट्रेंस है कॉर्निश वाली साइड पे, बहुत खूबसूरत है। तो घर जाने से पहले पियेंगे जी चाय, वो भी कैटली वाली शॉप से। ये देखें जी कैटली वाली शॉप अल ब्रिज, जो कि कॉर्निश पे है।
तो इधर से लेंगे एक चाय। वन कड़क टी प्लीज। तो चाय मैंने ले लिए, खाना मैंने घर में खा लिया था, भूख नहीं लगी हुई थी तो इसलिए ले लिया जी चाय। ये देखें जबरदस्त मजेदार। करते हैं जी आज के व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। टेक केयर, मा सलामा।